धनिर्माण में आप सभी का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं 25 से 26 जून तक के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, आर्टेमिस समझौता क्या है? व्हाट इज आर्टेमिस एग्रीमेंट? ऑप्शन ए रक्षा उपकरण समझौता, एग्रीमेंट फॉर डिफेंस। ऑप्शन बी अंतरिक्ष अभियान समझौता, एग्रीमेंट फॉर स्पेस प्रोग्राम। ऑप्शन सी परमाणु समझौता, एटॉमिक एग्रीमेंट। ऑप्शन डी जलवायु समझौता, क्लाइमेट एग्रीमेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतरिक्ष अभियान समझौता, एग्रीमेंट फॉर स्पेस प्रोग्राम। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। आर्टेमिस समझौता एक गैर बाध्यकारी समझौता है जिसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है। इन समझौतों का उद्देश्य आर्टेमिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नागरिक अन्वेषण और बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सिद्धांतों, दिशा निर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं के व्यवहारिक सेट के माध्यम से एक सर्वमान्य दृष्टिकोण को स्थापित करना है। आर्टेमिस समझौते पर 13 अक्टूबर 2020 को 8 संस्थापक देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ब्रिटेन, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, पैसेज अभ्यास पासेक्स किन दो देशों के बीच हुआ? पासेज एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? ऑप्शन ए भारत केन्या, इंडिया एंड केन्या। ऑप्शन बी भारत जापान, इंडिया एंड जापान। ऑप्शन सी भारत रूस, इंडिया एंड रशिया। ऑप्शन डी भारत ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत केन्या, इंडिया एंड केन्या। इसकी व्याख्या समझते हैं। आयनिस सुनैना ने ओशन रिंग ऑफ योग विषय पर समुद्री पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में 20 से 23 जून 2023 तक मोम्बासा केन्या का दौरा किया। मोम्बासा से प्रस्थान होते समय आईएनएस सुनैना ने केन्या नौसेना के जहाज जसीरी के साथ पैसेज अभ्यास पासेक्स किया। अगला प्रश्न है, ओमिक्रॉन विशिष्ट mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओमिक्रॉन mRNA बेस्ड बूस्टर वैक्सीन? ऑप्शन ए जैमको वैक्सीन OM, ऑप्शन बी जैमकोवैक M, ऑप्शन सी जैमकोवैक OM, ऑप्शन डी जैमकोवैक O। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैमकोवैक OM। इसकी व्याख्या समझते हैं। जैमकोवैक OM भारत के COVID-19 टीकों के त्वरित विकास के लिए भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के अंतर्गत DBT और BIRAC द्वारा कार्यान्वित मिशन कोविड सुरक्षा के समर्थन से विकसित 5वां टीका है। भारत का पहला mRNA टीका जेनोवा द्वारा स्वदेशी प्लेटफॉर्म तकनीक के उपयोग से विकसित किया गया है। इसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC से वित्त पोषण सहायता है। अगला प्रश्न है, MSME दिवस कब मनाया जाता है? MSME डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शन ए 24 जून, ऑप्शन बी 27 जून, ऑप्शन सी 27 जुलाई, ऑप्शन डी 24 मई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 27 जून। इसकी व्याख्या समझते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय 27 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में उद्यमी भारत MSME दिवस का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन के दौरान MSME आइडिया हैकथॉन 2.0 के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे
और महिला उद्यमियों के लिए MSME आइडिया हैकथॉन 3.0 की शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023 कब मनाया गया? इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2023 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शन ए 23 मई, ऑप्शन बी 23 जून, ऑप्शन सी 27 जून, ऑप्शन डी 27 जुलाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 23 जून। की व्याख्या समझते हैं। 1894 में HCE बैरोन द्वारा ओलंपिक मूवमेंट की स्थापना की गई थी और ओलंपिक दिवस को चुनने के लिए 1894 में 23 जून का चयन किया गया था। ओलंपिक एक वैश्विक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जो दुनिया भर के एथलीट्स को अपने स्किल्स आजमाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। इसे समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक बांटा गया है जिसमें 200 से ज़्यादा देश 400 से अधिक खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय इस्पात नीति NSP कब लागू की गई थी? नेशनल स्टील पॉलिसी NSP इज लॉन्च्ड बाय विच ईयर? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2017। इसकी व्याख्या समझते हैं। राष्ट्रीय इस्पात नीति NSP 2017 के अनुसार 2030 तक 300 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारत इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया में दूसरे स्थान पर है और 2018 में जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। स्पंज आयरन उत्पादन में भी भारत दुनिया में पहले स्थान पर है और इसकी कच्चे इस्पात की क्षमता भी 110 मीट्रिक टन से बढ़कर 160 मीट्रिक टन हो गई है। पिछले 9 वर्षों में 46% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में सेल भिलाई उत्पाद संयंत्र की दिल्ली खदान में सिलिका रिडक्शन प्लान परियोजना का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, हाईटेक हैंडशेक कार्यक्रम किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? हाईटेक हैंडशेक प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? ऑप्शन ए USA चाइना, ऑप्शन बी इंडिया चाइना, ऑप्शन सी इंडिया UK, ऑप्शन डी इंडिया USA। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंडिया USA। इसकी व्याख्या समझते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जोसेफ आर बाइडेन ने वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस में भारत अमेरिका हाईटेक हैंडशेक कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारत और अमेरिका की अग्रणी तकनीकी कंपनियों और स्टार्टअप के CEO की भागीदारी देखी गई। फोरम का विषयगत फोकस सभी के लिए AI और मानव जाति के लिए विनिर्माण पर था। अगला प्रश्न है, बलिदान स्तंभ का शिलान्यास कहाँ किया गया? इन विच प्लेस लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ बलिदान स्तंभ? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीनगर। इसकी व्याख्या समझते हैं। वीरों के पराक्रम को चिरंजीवी बनाने के लिए आज श्रीनगर के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया गया। यह स्तंभ बलिदानियों की स्मृति को अमर कर युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देगा। अगला प्रश्न है, टीम मार्क्समैन द्वारा 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के प्रतिष्ठित पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया गया? विच ऑर्गेनाइजेशन इज अवॉर्डेड बाई टीम मार्क्समैन 2023-24 अवार्ड? ऑप्शन ए IUCL, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी भेल, ऑप्शन डी NTPC। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी NTPC। इसकी व्याख्या समझते हैं। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड को टीम मार्क्समैन द्वारा
2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से तमाम प्रमुख क्षेत्रों में NTPC के असाधारण प्रदर्शन की पुष्टि होती है। इन प्रमुख क्षेत्रों में संगठनात्मक उद्देश्य, कर्मचारी केंद्रित वृद्धि, मान्यता एवं पुरस्कार, उद्यमिता वाली संस्कृति, कामकाज एवं जीवन में संतुलन, विविधता, समानता एवं समावेशन, सुरक्षा एवं विश्वास आदि शामिल है। अगला प्रश्न है, IREDA ने कहाँ पर कागज रहित व्यवसाय केंद्र की स्थापना की? In which place IRDA started its paperless business center in India? Option A, New Delhi. Option B, Tamil Nadu. Option C, Kerala. Option D, Chandigarh. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। इसकी व्याख्या समझते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के एक मिनी रत्न श्रेणी वन भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने नई दिल्ली के पूर्वी किदवई नगर के NBCC कार्यालय परिसर में एक अत्याधुनिक व्यवसाय केंद्र की स्थापना की है। नई दिल्ली में अपने पंजीकृत और कॉरपोरेट कार्यालय के अतिरिक्त IREDA ने मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर तथा गुवाहाटी में राजनीतिक रूप से स्थित शाखा कार्यालयों तक अपनी पहुंच विस्तारित कर दी है। थैंक यू।